चलिए इसी के साथ रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल से, जहां हिमाचल में सभी 68 विधानसभा सीटों के रुझान सामने आए हैं। बता दें बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। सत्ता की चाबी निर्दलीय विधायकों के हाथ भी रख सकती है, जिस हिसाब से रुझान आ रहे हैं, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी आगे। रुझानों में स्पष्ट बहुमत किसी के पास नहीं है। दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। अब देखना खास ये होगा कि कौन बाजी मारता है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच हिमाचल में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। सभी 68 सीटों के रुझान जो है लगातार सामने आ रहे हैं। इसी बीच निर्दलीय भी जो है अपना बहुमत स्पष्ट कर रहे हैं। सत्ता की चाबी निर्दलीय विधायकों के हाथ भी लग सकती है। जिस हिसाब से रुझान आ रहे हैं, उसमें सबसे पहले तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। बता दें 68 सीटें हैं विधानसभा की हिमाचल में, और मतगणना सुबह से जारी है, और मतगणना के आधार पर ही रुझान आ रहे हैं। और रुझान में ये साफ तौर पर साबित हो रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। दोनों में से अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि दोनों में से आखिर कौन सी पार्टी है जो अपना विजय परचम लहराएगी, क्योंकि जिस हिसाब से रुझान आ रहे हैं, वैसे ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि दोनों पार्टियां बराबरी की टक्कर पर है। कांटे का मुकाबला दोनों पार्टियों में देखा जा रहा है। तो हिमाचल से इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको हम दे रहे हैं, जहां सभी 68 सीटों के रुझान सामने आ रहे हैं। रुझानों के अनुसार बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांटे की टक्कर देखी जा रही है।